एक्ट्रेस पूनम पांडे जिंदा है और जिंदा होने की पुष्टि पूनम पांडे ने खुद की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी करते हुए ये बताया कि मेरी मौत की खबर फेक थी। उन्होंने कहा, मैं जीवित हूं और मैं सर्विकल कैंसर से नहीं मरता। दुर्भाग्य से मैं उन सैकड़ों और हजारों महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं कह सकता जिन्होंने सर्विकल कैंसर के कारण अपनी जान गंवाई। मुझे इस बात का बेहद खेद है कि कई लोगों को मैंने ठेस पहुंचाई और उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। मेरा इरादा सबको चौंकाने का था, लेकिन मेरी मौत से नहीं, मेरी मौत की वजह से, जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते। सर्विकल कैंसर, आखिर क्या है ये सर्विकल कैंसर? अगर आंकड़ों की बात करें तो 10 में से 8 लोगों को नहीं पता कि सर्विकल कैंसर होता क्या है, और कुछ लोग तो इसे सर्वाइकल कैंसर भी समझते हैं। तो भाई आपको बता दें कि ये सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, ये है सर्विकल कैंसर। तो आइए आपको बताते हैं कि सर्विकल कैंसर होता क्या है और इसके लक्षण क्या है। सर्विकल कैंसर वो कैंसर है जो यूट्रिन सर्विक्स की सेल से शुरू होता है। इससे सर्विकल यूट्रस को वजाइना के साथ जोड़ा जाता है। सर्विकल कैंसर आमतौर पर समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। ऐसे समय में इसके साथ यदि इसका इलाज सही टाइम पर करवाया जाए तो नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में नहीं बदलती। साथ ही यूट्रस और आसपास के क्षेत्रों में ये कैंसर ज्यादा तेजी से नहीं फैलता। सर्विकल कैंसर सर्विक्स में होने वाले सबसे गंभीर प्रकार का कैंसर माना जाता है। सर्विक्स यानी कि यूट्रस का सबसे निचला भाग होता है जो वजाइना के साथ जुड़ा हुआ होता है। सर्विकल कैंसर के अधिकतर मामले ह्यूमन पैपिलोमस वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं, जो कि 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु के लोगों में सर्विकल कैंसर का सबसे अधिकतर निदान देखा जाता है। हालांकि स्क्रीनिंग और HPV वैक्सीन के कारण इस दर में गिरावट आ रही है। सभी लोगों को इसके लक्षणों भी गंभीरता से ध्यान देने के लिए सलाह दी जाती है। इसके साथ ही कैंसर के शुरुआती चरणों में लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं होते, यही कारण है कि अधिकतर महिलाओं को इसके गंभीर चरण तक कैंसर का पता नहीं चल पाता। काफी लोग ऐसे सर्वाइकल कैंसर समझते हैं जो कि सर्विकल कैंसर होता है। चलिए बताते हैं आपको इसके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में। सबसे पहले सर्विकल कैंसर का लक्षण पीरियड्स के समय स्पॉटिंग या ज्यादा ब्लीडिंग होना हो सकता है। बढ़ते कैंसर की वजह से आपको ब्लीडिंग की संभावना अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पैल्विक क्षेत्र में दर्द होने लगता है। इसके साथ ही इसका कारण कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और STD भी इसका मेन रीजन हो सकता है। यदि कैंसर व्यापक है तो इससे आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगेगा और इसके साथ ही पैरों में भी सूजन हो सकती है। UK में सर्विकल स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक महिलाओं में सर्विकल कैंसर के जोखिम को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां इस बीमारी का वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी है। वहां बचपन में ही बच्चों को इस वैक्सीन को लगवा दिया जाता है। भारत में सर्विकल कैंसर के 18.3% की दर के साथ तीसरा सबसे आम कैंसर इसे माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 9.1% मृत्यु दर के साथ महिलाओं में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण सर्विकल कैंसर होता है। सर्विकल कैंसर के बढ़ते जोखिम को देखते हुए बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सर्विकल कैंसर वैक्सीन HPV पर को बढ़ाने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि देश भर में 9 से लेकर 14 साल की लड़कियों को HPV वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार का मुख्य मकसद सर्विकल कैंसर को रोकथाम करना है। उन्होंने कहा है कि इस मिशन की शुरुआत मिशन इंद्रधनुष के जरिए किए जाएगी। महिलाओं में हर तरह के कैंसर के करीब 18% मामले सामने आते हैं। हर साल करीब 1 लाख से लेकर 20,000 नए मामले सर्विकल कैंसर के आते हैं, यानी हर रोज करीब 211 महिलाएं सर्विकल कैंसर से जान गंवाती हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पूनम पांडे ने ये गलत किया या फैंस की फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया। कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ी अटेंशन पाने के लिए खुद की मौत की झूठी अफवाह फैला दी। लेकिन मेरा एक सवाल है, और ये सवाल आप सभी से है, कि आज से पहले कितने लोग सर्विकल कैंसर के बारे में जानते थे? दिल पे हाथ रखकर सोचिए कि ये जानकारी हमारे लिए कितनी जरूरी थी। इसके बाद कितने लोग इसके बारे में बात करेंगे, कितने इसके लक्षण पहचानेंगे और कितने ही लोगों की जान बच जाएगी। और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि पूनम पांडे का ये कदम कितना सही था। नमस्कार।